दोस्तों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है करियर काउच विद शुभांकर पर। दोस्तों हफ्ते दर हफ्ते हम आपके साथ बात करते हैं करियर को लेके, और बात सिर्फ करियर की नहीं करते, हम आपसे बात करते हैं उन मोटिवेशन फैक्टर्स को लेकर भी जो कि आपको एक सफल करियर तक पहुंचा सकती हैं। एक बहुत बड़ी खबर जो है हमारे लिए वो होती है जहां पे हम लोग कुछ सुनते हैं कि किसी इंसान ने कुछ असाधारण किया है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई ये तो एवरेस्ट की शिखा पर चढ़ने जैसा था। तो एवरेस्ट की शिखा जो है हमारे लिए किसी भी कठिनाई का एक मापदंड बन चुका है। अरे आपने तो भाई एवरेस्ट की शिखा को छू लिया। तो दोस्तों एवरेस्ट की शिखा छूने वाले कुछ ही लोग इस धरती पर हैं जिन्होंने जो है शिखा को पहुंचकर ये दिखा दिया कि आप अगर ठान लें तो आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। द स्काई इज द लिमिट। और ये स्काई इज द लिमिट की कहानी को लेकर हम कई ऐसे वक्ताओं को अपने साथ मिलाते हुए चलते हैं जो कि आपको अपनी वो कहानी सुनाएं जहां पे उन्होंने अपनी असाधारण सी जो जर्नी है, ये जो उनका जो एक यात्रा रही, उस यात्रा की कहानी आप तक पहुंचाएं। एक दुर्गम चोटी तक पहुंचने में यात्रा भी उतनी दुर्गम होती है, लेकिन इस दुर्गम यात्रा को करने के लिए वो परिस्थितियां क्या होती हैं, वो तैयारियां क्या होती हैं, वो आत्मबल कहां से आता है, इस कहानी को सुनने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है तुलिका रानी जी को। तुलिका रानी जी उत्तर प्रदेश से पहली भारतीय महिला हैं जो कि एवरेस्ट की चोटी पर सफल तरीके से पहुंची। लेकिन इस सफलता की कहानी के पीछे कुछ असफलताएं भी है, वो कहानी भी वो आपको बताएंगी। इसके साथ साथ एयरफोर्स में रही हैं, वो आज किताबें लिखती हैं, वो टेडेक्स पे बातचीत करती हैं। तो आइए सुनते हैं तुलिका रानी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। करियर काउच विद शुभांकर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद, आपका भी अभिवादन और आपके सभी दर्शकों का भी मुझे मेरा नमन। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ निमंत्रण दिया और मेरा सौभाग्य है कि आज आपसे बात हो रही है। तुलिका जी आपने तो माउंट एवरेस्ट की शिखा को भी छोटा कर दिया, और मैं जानना चाहूंगा आज के दिन में आपको यहाँ पे बुलाने का जो कारण है वो यही है कि हम आपसे सीख सकें कि हमारे मन में वो जज्बा क्या होना चाहिए कि हमारे हर एक चोटी को, जिंदगी में आने वाले हर एक समस्या को, उसको हम छोटा कर दें। जी सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि इंसान पर्वतों के आगे एक बहुत ही सूक्ष्म एंटिटी है, बहुत छोटी चीज है। तो हम किसी पहाड़ को छोटा कर सकें ऐसा तो शायद ही इंसान में कोई संबल होता हो, लेकिन हाँ इंसान अपने आप को जरूर बड़ा कर सकता है। तो जब बात आती है आत्मबल की, जैसा आपने कहा, तो मेरा मानना यह है कि इस दुनिया में कोई भी काम असंभव लग सकता है लेकिन असंभव है नहीं। दुर्गम हो सकते हैं रास्ते लेकिन पहुंच से दूर इंसान के नहीं होते। तो हर व्यक्ति को अपने आप में ये एक दृढ़ प्रतीक्षा लेकर, प्रतिज्ञा लेकर चलना चाहिए अपने मन में कि जो भी स्वप्न उन्होंने देखा है, पहली बात तो सपने देखिए, जैसे कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन अगर सपना देखा जाए तो उसकी चोटी पर भी इंसान खड़ा हो सकता है। तो मेरा आज, क्योंकि करियर काउच में बात हो रही है तो ज़्यादातर लोग स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, मेरा आपसे कहना है कि आप सपने ऊंचे देखिए, बड़े बड़े सपने देखिए और फिर अपने अंदर की पूरी क्षमता लगा दीजिए उन सपनों तक पहुँचने में, उन्हें साकार करने में। और इंसान जब स्पेस पर पहुँच गया
जब मंगल ग्रह पर पहुंच गया, चांद पर पहुंच गया, जब समुद्र के अंदर इंसान पहुंच गया, जब एवरेस्ट की चोटी पर इंसान पहुंच गया, तो फिर ऐसा क्या बचा? स्पेस से लेकर तीन ही तो धरातल और स्पेस कहा जाता है, आकाश धरातल है, अंतरिक्ष है और फिर नीचे समुद्र है। तो जब तीनों ही स्थानों पर मनुष्य पहुंच चुका है, तो क्या ऐसा कोई काम है जो मनुष्य के वश में नहीं हो? बिल्कुल सही बात कही तुलिका जी। तो मैं फिलहाल तो मैं एवरेस्ट की चोटी के ऊपर ही मैं बात करूंगा। आपने एक इतनी बड़ी शिखा को छूने का अदम्य साहस दिखाया, तो क्या ये बचपन से आपका ये सपना था, माउंटेनियरिंग का सपना आपने अचानक कहां से देख डाला? बचपन में देखिए, हमारे अंदर कुछ सीड्स तो होते ही हैं जो भी काम हम आगे जाके करते हैं। तो मैं हमेशा से एक ऐसी इंसान रही जिसे प्रकृति से बहुत लगाव था। मैं आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर बच्चे को ये कहना चाहूंगी कि अपने आसपास थोड़ा सा आंखें खोलकर निहारिए और देखिए किसी फूल, पौधे, पेड़, पत्ती, चिड़िया या तितलियों को, क्योंकि वो हमें जीवन से जोड़े रखती हैं, अपने आप से जोड़ती हैं और हमें जीवन के सारे मूल्यों को बहुत सरल, सहज रूप से समझा देती हैं। तो मैं भी एक ऐसी ही बच्ची थी कि जिसको प्रकृति से बहुत लगाव रहा। और जब मैं भारतीय वायुसेना में भर्ती हुई 2005 में, मैं एक ऑफिसर बनी भारतीय वायुसेना में, और वहाँ से मुझे मौका मिला कि पर्वतारोहण टीम का मैं हिस्सा बनूं। तो भारतीय वायुसेना की पर्वतारोहण टीम का हिस्सा होते हुए मुझे माउंट एवरेस्ट पर जाने का मौका मिला। हालांकि ये बात अलग रही कि मेरे पहले प्रयास में मैं सफल नहीं हो सकी थी। और अब यहाँ से एक दूसरी कहानी शुरू हुई और वो ही संघर्ष की कहानी। अवसर आपको मिल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर अवसर में आप पहले ही प्रयत्न में सफल हो जाएं। अगर आप विफल हुए तो आपको अपनी विफलताओं को सफलता में बदलना आना चाहिए और उस विफलता से कभी भी निराश, हताश होकर उस स्वप्न को त्याग नहीं देना चाहिए। तो तुलिका जी, बिल्कुल आपने सही बात की कि अगर आत्मबल अगर मजबूत हो और आपने सपने ऊंचे देख रखे और आप में जज्बा हो कि हम सबसे ऊंची चोटी को छूना है, तो चोटी आपके सामने सूक्ष्म नजर आएगी। तुलिका जी, मैं एक बात मैं जानना चाहूंगा कि पर्वतारोहण आपने, चलिए आपने सपना देख डाला, आप में साहस भी था, सब कुछ, लेकिन सिर्फ साहस होने से तो नहीं होता है, एक प्रिपरेशन होता होगा उसका। तो आपको क्या लगा, क्योंकि इतनी बड़ी हाइट है, इतनी ऊंची हाइट पे मैंने सुना है वहां पे ऑक्सीजन बिल्कुल जीरो हो जाता है, तो क्या आप इस चीज के लिए तैयार थी? कहीं डर नहीं लगा कि हो सकता है मैं वहां तक चढ़ने की कोशिश करूं? कई ऐसे कांड हुए हैं जहां पे लोग वापस नहीं आ सके आज, तो आपको कैसे, मतलब आपने किस प्रकार का प्रिपरेशंस किया थी? व्हाट वर द प्रिपरेशंस? ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है कि सपने तो देखना आसान है, लेकिन सपनों को साकार करने के लिए सिर्फ जज्बे से काम नहीं चलता। उनके लिए आपको बहुत ही ग्राउंड लेवल पर आकर प्रिपरेशन करनी पड़ती है, और वो प्रिपरेशन एक दो दिन की नहीं, कभी कभी सालों की होती है। और उतना धैर्य आप में लगातार होना चाहिए। जब आप हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे, तब जाकर आप उस फाइनल डे पर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो मेरे साथ भी ये रहा कि जब मैं भारतीय वायुसेना के पार्ट के रूप में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की तैयारी कर रही थी, तो इसमें मुझे 2 साल की गहन ट्रेनिंग करनी पड़ी जो भारतीय वायुसेना द्वारा कराई गई थी। माउंट एवरेस्ट पर जाने से पहले हमने 4 पर्वतों पर और आरोहण किया था, जो कि बहुत दुर्गम पहाड़ माने जाते हैं भारत के। सियाचिन ग्लेशियर में जनवरी के महीने में 2 बार ट्रेनिंग की थी, और सियाचिन ग्लेशियर साउथ एशिया की सबसे ठंडी जगह है। जब 2011 में किन्हीं कारणवश मैं सफल नहीं हो पाई थी चोटी तक पहुंचने में, तो 1 साल मैंने और लगाया, और उस 1 साल के हर दिन मैंने कड़ी मेहनत की। हर ऑल्टरनेट डे पर मैं 20 किलोमीटर दौड़ा करती थी। उस समय हर दिन, हर क्षण, 24 घंटे मैं अपने दोनों पैरों में 3-3 किलो के वजन हर समय पहने रहती थी, और चाहे लोग कुछ भी कहते रहें, कुछ लोग हंसते थे उस पर, लेकिन मुझे पता था कि पहाड़ चढ़ने के लिए ये आवश्यक है। तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए जो भी आवश्यक है, आप उसे करते रहिए। उस 1 साल की गहन ट्रेनिंग के बाद मैं जिम भी करती थी, दौड़ती भी थी, वजन अपने कमर पर लेकर लगातार सीढ़ियाँ भी चढ़ती रहती थी। कभी कभी ट्रैवल कर रही होती थी जब, तब अगर ट्रेन कहीं आधे घंटे खड़ी हो गई तो स्टेशन पर उतरकर भी सीढ़ियां चढ़ने लगती थी। तो जब आप इस तरह से अपने लक्ष्य में रम जाएंगे कि आपको उसके अलावा कुछ और दिखना ही बंद हो जाए, तब एवरेस्ट भी आपके पहुंच में आ जाएगा। तो इस तरह से फिर 2012 में मैं अंततः एवरेस्ट की चोटी पर
तिरंगा फहराने में सफल हुई। तो तुलिका जी, 2012 की कहानी तो हमेशा जहन में रहेगी, क्योंकि उस वो जो था वो आपकी जो सफलता जो थी वो शायद पूरे विश्व ने सुनी। लेकिन मुझे कहीं कहीं लगता है कि सफलता की कहानी से ज़्यादा असफलता की कहानी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वही चीज़ है जो आपको सफलता के लिए प्रेरित करती है। तो मैं जानना चाहूँगा, जब आप असफल हुई थी, चढ़ नहीं पाई थी, उस समय आपका मनोबल टूटा नहीं, आखिर हुआ क्या था जिसने आपको फेल किया? फिर आपको दोबारा क्या, आपके अंदर जो प्रिपरेशन थी उसको आपने कैसे एक्सीड की? असफलता की कहानी क्या थी? ये बहुत सही आपने पूछा, क्योंकि जनरली जब हम देखते हैं सफल लोगों को तो हमें उनके पीछे की कहानी पता नहीं रहती और काफ़ी लोग उसे शेयर भी नहीं करते। लेकिन मैं यहाँ ये शेयर करना चाहूँगी कि 2011 में जब मेरा प्रयास सफल नहीं हुआ था, तब देखिए लोगों के रिएक्शंस अकॉर्डिंगली आएंगे। अगर आप अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल नहीं हुए तो हो सकता है कि कुछ लोग आपको ताने दें और कुछ लोग आपको ये कहें कि शायद आप में वो करने की सामर्थ्य ही नहीं थी। लेकिन आप पाएंगे कि अगर आपके मन में दृढ़ निश्चय है और अगर आपको अपने भीतर भरोसा है तो कहीं ना कहीं से आपको सहयोग भी मिल जाएगा। तो पहले वो कदम आपको खुद लेना होगा। अगर आपने अपना लक्ष्य खुद नहीं छोड़ा, तब तक आप उस रेस में अभी भी हैं। इस दुनिया में, इस विश्व में कोई भी और रेफरी नहीं है आपकी अपनी क्षमताओं का। तो मुझे भी वो सहयोग मेरे परिवार से भी मिला और मैंने खुद में भी वो संबल रखा कि हो सकता है कि आज मैं ये काम नहीं कर पाई हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि आज नहीं तो कभी नहीं। और उसी के तहत मैंने अपनी अपने प्रयास जारी रखे और उस विफलता की कहानी जो सर ने भी कहा है, इस किताब में मैंने निहित की है। ये आज प्राइम टीवी पर इंटरव्यू हो रहा है, ऐसा ही कभी एक इंटरव्यू हुआ था और जिसमें बहुत ज़्यादा सफलता नहीं थी, वो मेरा बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा था, लेकिन वो भी इस चीज़ में शामिल है। उस विफलता से आज की सफलता तक की कहानी, किस प्रकार एक इंसान दुर्गम परिस्थितियों में से होते हुए भी एक सफल मानक के रूप में विश्व में स्थापित हो जाता है, उसकी कहानी। क्या आपके अंदर वो एक चीज होती है, जिजीविषा होती है, जो झाड़ूपन होता है, जो आपको टूटने नहीं देता? हम सब इंसान हैं, हमें सबको डर लगता है, हम सब कभी कभी अपनी मुश्किलों पर रोते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काम करना नहीं छोड़ते। इस किताब में वो कहानी है, तो मैं चाहूंगी कि आप कभी इस बुक को लेके पढ़ें। तुलिका जी, बिल्कुल सही बात कि जो असफलता की कहानी होती है उसको पढ़ना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, ताकि आप खुद को प्रयत्नरत रखने के लिए वो जो मोटिवेशन रहता है, आप उतना इनफ मोटिवेटेड रहें और आपके अंदर विश्वास होनी चाहिए, वो जिजीविषा होनी चाहिए कि नहीं, मुझे वो अप्रोच वो नहीं छोड़ना है, मैं सफल होकर रहूँगा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा तुलिका जी, मैंने सुना है कि आपने देश विदेश में लगभग 23 पर्वतारोहण किए, राइट? और उसमें से शायद सबसे बड़ा एक था कि ईरान में स्थित जो एशिया का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है, उसको भी, उसकी भी चोटी तक आप पहुंची। तो ये कहां से आपके प्लान में आया और ये सारा जो प्लान होता था ये कौन आपको बताता था? ये आपने कैसे रिसर्च किया और कैसे आप प्रिपरेशन करती थी, कहां से फंडिंग होती थी, ये होती कहानी होती कैसे थी ये पूरी? कभी कभी लोग इस तरह से बैठे रह जाते हैं हिचकिचाहट में कि हमें मंजिल तक का रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब आप पहला कदम मंजिल की तरफ बढ़ाते हैं तो आपको दूसरे कदम के रास्ते खुद दिख जाते हैं, अगले 10 कदम का रास्ता भी दिख जाता है। पहाड़ चढ़ने में मैंने यही जाना है, यही सोचा है। कभी कभी आपको बैंड भी मिलते हैं और आपको लगता है शायद इसके आगे रास्ता नहीं है, लेकिन अगर आप हिम्मत करके उस बैंड तक पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि रास्ता और भी है। तो मैं भी, क्योंकि इस तरह से इस फील्ड में उतर चुकी थी, माउंटेनियरिंग के फील्ड में, और धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए, जहाँ तक कि आपने बात की ईरान में स्थित एशिया के सर्वोच्च ज्वालामुखी माउंट दामावंद की, जिस पर चढ़ने का मुझे सौभाग्य मिला, अपने देश को रिप्रेजेंट करने का सौभाग्य मिला और प्रथम भारतीय महिला होने का सौभाग्य मिला। तो इंडिया में ही एक क्लाइंब हुई थी हिमाचल प्रदेश में, इंडियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन के तहत, उसमें ईरान के क्लाइंबर्स भी आए थे और उन्होंने मुझे वहाँ देखा था क्लाइंब करते हुए। तो अगले साल उन्होंने अपने यहाँ पे एक पर्वतारोहण अभियान रखा इस ज्वालामुखी पर और उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए मैंने भारतीय वायुसेना से छुट्टी की दरख्वास्त की, जो कि मान ली गई, और मैं छुट्टी लेकर इस अभियान के लिए ईरान गई थी। इसकी फंडिंग कहाँ से होती थी?
फंडिंग मैंने खुद ही की थी उस समय पे। देखिए बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है क्लाइंबिंग, मैं ये मानती हूँ, और इस मंच के द्वारा मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार हमारे बाकी स्पोर्ट्स में गवर्नमेंट की फंडिंग होती है, कॉर्पोरेट हाउसेस की फंडिंग होती है, वैसे ही पर्वतारोहण में भी फंडिंग दी जानी चाहिए, ताकि अभी भी रिसेंटली ओलंपिक्स में माउंटेन वॉल क्लाइंबिंग को इंक्लूड किया गया है एज ए न्यू स्पोर्ट, और सरकार भी अब बढ़ावा दे रही है माउंटेनियरिंग को। हमारे देश में विभिन्न हाइट्स के बहुत सारे पर्वत हैं, तो हमारे पास एक तरह से एक अपार संपदा है पहाड़ों के रूप में, और उसे अगर हम एक टूरिज्म के हिसाब से प्रमोट करना चाहें, एक एडवेंचर स्पोर्ट्स में करियर के हिसाब से प्रमोट करना चाहें, तो बहुत ही अच्छा एक एम्प्लॉयमेंट का एवेन्यू हमारे युवाओं को मिल जाएगा। तो मेरी फंडिंग तो देखिए मैंने खुद ही की थी, माउंट एवरेस्ट पर भी जब मैंने दूसरी एक्सपेडिशन की थी तो मेरे खुद के ही 21 लाख मेरी सेविंग में से मैंने लगाए थे उस समय। कभी कभी किसी फाउंडेशन का भी मुझे सहयोग रहा, अमर उजाला फाउंडेशन ने मेरी माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है उसे फंड किया था। तो जब आप कोशिश करेंगे, कभी खुद की कोशिश कीजिए, कभी कुछ दूसरे लोगों का सहयोग मिल जाएगा। तो इस प्रकार से मेरा पर्वतारोहण अभियान चलता रहा। हालांकि एक ऐसी चोटी है जो अभी भी मेरे मन में चढ़ना बाकी है, हैं तो बहुत सारी, पर जो फर्स्ट पीक दैट आई वुड लाइक टू क्लाइंब इज माउंट छोयू, जो कि दुनिया की छठी सबसे ऊंची चोटी है नेपाल में, 8000 मीटर से ऊंची है, मृत्यु क्षेत्र में आती है, भारत की किसी भी महिला पर्वतारोही ने अभी तक उस पर आरोहण नहीं किया है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे उसको चढ़ने के लिए भी फंड प्राप्त हो जाए, तो देखिए जब हो जाएंगे तब वहाँ पे भी आरोहण किया जाए। बिल्कुल होगा, जब आपके इरादे इतने मजबूत हैं, इतने नेक हैं, तो बिल्कुल आपने सही बात की कि कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसको इंक्लूड करना चाहिए, और भारत सरकार को देखना चाहिए कि उसमें भी फंडिंग हो। खैर तुलिका जी, थोड़ा सा मैं पर्वत से नीचे आता हूँ और कहानी को दूसरी तरफ ले जाते हैं। आपने एयरफोर्स में बहुत समय बिताया, 10 साल आप एयरफोर्स में रहीं, आपने वहाँ पे सैकड़ों शायद वहाँ पे ट्रेनर्स को आपने सैन्य प्रशिक्षण भी दिया, इसमें से शायद 3 जो है वो भारत की प्रथम जो पायलट्स थी वो भी रहीं। तो ये जर्नी जो आपकी थी, क्या यही वो बेस था जिसने आपको पर्वतारोहण करने में मदद की, वो जो जज्बा बनाने में मदद की? बिल्कुल, भारतीय वायुसेना ने ही मुझे वह प्लेटफॉर्म प्रदान किया था जिसके तहत मैंने पर्वतारोहण के क्षेत्र में पदार्पण किया। तो सबसे पहले मैंने, जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय वायुसेना की पर्वतारोहण टीम का हिस्सा रहते हुए ही मैंने अपने इस पर्वतारोहण करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद वो इतना ज़्यादा मेरे लहू में रच बस गया कि मैं खुद ही अपनी छुट्टियाँ लेकर जाने लगी। आपने बात की मेरे एक जो मेरा करियर का बहुत हाई पॉइंट रहा, एक वायुसेना अकेडमी जो कि हैदराबाद में स्थित है, वहाँ पे मुझे मौका मिला कि मैं आउटडोर ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के रूप में 2 साल से ज़्यादा रही, कार्यरत रही। उसमें सैकड़ों भावी अधिकारी वहाँ पे प्रशिक्षण ले रहे थे और मेरा सौभाग्य था कि मैं उन्हें सैन्य प्रशिक्षण दे सकी। उस समय पे मुझे यह अनुभव हुआ कि इंसान को अगर थोड़ा सा मार्गदर्शन और थोड़ा सा इंस्पिरेशन मोटिवेशन दे दिया जाए तो वो अपने अंदर जो निहित डॉर्मेंट रूप में सुप्त अवस्था में पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज करके बहुत ज्यादा असीमित कार्य भी कर सकता है। तो तुलिका जी, 14 अवार्ड्स, माउंटेनियरिंग, एयरफोर्स, इतनी सारी कहानियां, और ये जो जर्नी है ये खूबसूरत होती चली जा रही है। अब टेड टॉक में जा रही हैं, टेड एक्स पे बात कर रही हैं, मोटिवेशनल स्पीकर के हिसाब से आपके वीडियोस बहुत अच्छे तरीके से वायरल हो रहे हैं, कहाँ जा रही है आपको, क्या लग रहा है और आप क्या क्या करने वाली हैं? मुझे लगता है कि इंसान की क्षमताओं का कोई अंत नहीं है। देखिए आदि शंकराचार्य का एक सूक्त मुझे अभी पढ़ने का मौका मिला जिसमें उन्होंने कहा है कि अनादि अनंता जगत चेत ना हूं अनादि अनंता। तो यही कॉन्सेप्ट मुझे जिंदगी में प्रेरित करता रहता है डिफरेंट फील्ड्स में अपने पोटेंशियल को ट्राई करने के लिए। इंसान की क्षमताओं का ना अंत है ना आदि है, हम कुछ भी करने में सक्षम हैं कि सिर्फ किसी एक फील्ड में, देखिए एक फील्ड में जब जाएं तब तो वहाँ पे आप परशम लहरा ही दें शिखर तक, उसके बाद वहाँ अंत ना समझिए। जिंदगी में जब तक सांस है
तब तक ना सपनों का कोई अंत है, ना संघर्ष का कोई अंत है, ना ही आपकी लालसा जिज्ञासा का अंत होना चाहिए। और इसी के तहत पहले मैं भारतीय वायुसेना में 10 वर्ष रही, वहाँ बहुत सारे अधिकारियों को मुझे सैन्य प्रशिक्षण देने का मौका मिला। आज भी वो मुझे जब पूछते हैं, जब मुझसे गाइडेंस लेते हैं या मुझसे आभार प्रकट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, गर्व की अनुभूति होती है। वहीं रहते हुए माउंटेनियरिंग में भी मैंने थोड़ा बहुत कुछ काम कर सकी। उसके बाद राइटिंग के करियर में और पब्लिक स्पीकिंग, जैसा आपने कहा पब्लिक स्पीकिंग इम्पॉर्टेंट इसलिए है, मैं आज बच्चों को भी कहना चाहूँगी कि आप अपने घर में, अपने स्कूल में, जिस भी क्षेत्र में आप हैं, आप बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन ही इंसान को इंसान से जोड़ता है। कम्युनिकेशन के तहत ही आप अपने विचारों को इस दुनिया में प्रसारित कर सकेंगे। और विचारों में बहुत ही गहन शक्ति है इस पूरे के पूरे एनवायरमेंट को ट्रांसफॉर्म कर देने की। अगर आप कोई सोशल चेंज लाना चाहते हैं, एनवायरमेंट के रूप में चेंज लाना चाहते हैं, अपने जीवन में चेंज लाना चाहते हैं, तो बोलने की थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिए। तो इसीलिए मेरे आज कल बहुत सारे टॉक्स हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी हो रहे हैं, टेडेक्स जैसा आपने कहा, टोस्टमास्टर्स में कीनोट स्पीकर, और देश विदेशों में आजकल मैं बच्चों से बात कर रही हूँ, महिलाओं से बात कर रही हूँ, बहुत सारे सामाजिक इश्यूज़ पर बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सबको, इस विश्व की एक एक यूनिट को एक दूसरे से जुड़कर इस समय सामाजिक, आर्थिक और बहुत सारे परिवर्तन जो हमें चाहिए, जो हमें अपनी भावी जनरेशंस को ये दुनिया देकर जानी है, उसके लिए एकजुट हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही तुलिका जी। मैं किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से कुछ वक्त निकाला और आपने आके यहाँ पे हमारे ऑडियंस बच्चों को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपने वो मोटिवेशन दिया जो आज के दिन में सबसे ज़्यादा अनिवार्य है बच्चों में होने के लिए। कंपटीशन सामने है उनके लिए, उनका एवरेस्ट वही है, और ये एवरेस्ट की कहानी आपको आपके शिखर तक पहुंचाएगी। इसी आशा के साथ हम ऐसे गेस्ट आप तक पहुंचाते हैं। आशा करते हैं शो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार बहुत बहुत शुक्रिया फिर से तुलिका जी, आप हमारे शो में आए। दोस्तों देखना ना भूलिएगा करियर काउच में शुभांकर अगले हफ्ते एक बार फिर रविवार रात 9 बजे। ये थी स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी जी, जो कि एक फौजी है, एडवेंचरर है और आज के दिन एक सक्सेसफुल महिला है। तो स्टूडेंट्स, हम आप लोगों से हर दिन बात करते हैं और यही बोलते हैं, सिर्फ किताबी शिक्षा से कुछ नहीं होता है। आज आपने जो स्टोरी सुनी है वो सिर्फ स्टोरी नहीं है, एक जर्नी थी ऐसी महिला की जो हर मुश्किल में रह के भी जो अपना पैशन था उनको पूरा किया है। किसी के ऊपर निर्भर नहीं थी कि कोई उनके पीछे पड़ेगा और तभी जाके वो सक्सेसफुल होंगी। फेलियर्स बहुत देखा है उन्होंने, लेकिन जुट के रही और सामना किए सारे मुसीबतों की, और आज के डेट में उन्होंने अपने सारे ड्रीम्स को पूरा किया। तो आशा करते हैं आप हमारी कहानियाँ सुन के ज़रूर प्रेरित होंगे और अपनी लक्ष्य को पाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं कुछ नए एपिसोड्स के साथ ऑन करियर काउच विद शुभांकर नेक्स्ट संडे ऑन प्राइम टीवी। बाय बाय।